शेयर मार्केट में घाटा होने के बाद एक युवक ने कर्जदारों से परेशान होकर अपनी ही झूठी हत्या का षड्यंत्र रच दिया, लेकिन पुलिस ने 5 ही दिनों में इसका खुलासा करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि 18 दिसंबर को कोटड़ी थाने के जावल ग्राम निवासी कन्हैयालाल जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पुत्र नारायण जाट खेत पर रखवाली करने गया, जो वापस घर नहीं लौटा। इस पर पुलिस ने अपनी पड़ताल शुरू की तो कुछ ही दूरी पर कुछ हड्डियां जली हुई मिली। मौके पर FSL और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची, जिसमें प्रथम दृष्टया यह हड्डियां किसी जानवर की होना सामने आया, जिस पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया। पुलिस ने कई राज्यों में नारायण की तलाश कर उसे छत्तीसगढ़ के रायपुर से आखिर गिरफ्तार कर ही लिया, जिससे पूछताछ करने पर सामने आया कि उसने शेयर मार्केट में लाखों रुपए लगाए थे, लेकिन उसके द्वारा लगाए गए सभी रुपए डूब गए, जिसके कारण उसके कर्जदार बढ़ गए और उसने अपनी ही हत्या की कहानी रच डाली। पुलिस अब उससे ये जानने का प्रयास कर रही है कि रुपयों के लेन देन को लेकर कौन कौन लोग उसे परेशान कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई की जाएगी। नारायण उम्र 27 साल, निवासी कोठड़ी, थाना कोठड़ी, एक हफ्ता पहले गुमशुदा हुआ, गुमशुदगी दर्ज की गई, पर जो परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी संदिग्ध थी। मौके पे जहाँ से गायब होना बता रहे हैं वहाँ पर अलाव जला हुआ था और उसके अंदर हड्डियाँ जल रही थी। प्रथम दृष्टि ऐसा लग रहा था कि वो हड्डियाँ मानव की हो सकती है, ऐसा परिवार वालों का भी आरोप था। काफ़ी चैलेंजिंग केस था और ब्लाइंड केस था और इसको ट्रैक किया है हमारी टीम ने, जिसके अंदर अहम भूमिका एडिशनल SP शाहपुरा की टीम, थाना कोठड़ी और साइबर टीम, इसने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। इसको हमने रायपुर से पकड़ा है। पूरा सीन ऑफ क्राइम इसने फैब्रिकेट किया था आदमी ने कुछ, क्योंकि इस पर कर्जा हो चुका था और कर्जे को नहीं चुका पाने के कारण इसने एक ऐसा सीन ऑफ क्राइम क्रिएट किया जिसके अंदर ऐसा लगे कि इसको मार के जला दिया गया है और लोग जो उधार मांग रहे हैं वो उसका उधार किसी परिवार वालों से ना मांगे और ये थाना क्षेत्र छोड़ के चला गया था। एक अच्छा केस हमने इसको ट्रैक किया है, ब्लाइंड केस। हम लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, जो फैब्रिकेशन किया है एविडेंस का, सीन ऑफ क्राइम का, और गुमराह किया है, उसमें जो कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ बनती है वो अमल में लाई जाएगी। देखिए वो हम रिपोर्ट ले रहे हैं, इसने कहाँ से कितना कितना क्या क्या उधार लिया था, अगर इस पर कोई वाजिब जो बनता है नेसेसरी एक्शन वो ज़रूर किया जाएगा। अगर इसको वास्तव में कोई परेशान कर रहा था तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।